अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये बताते हैं, इवन बहुत सारी मैसेज आती है मुझे कि लाइक हमारा इतना छूट गया, हमने बस 30 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, 35 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, या जो भी ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 2 या 3 मार्क्स छूट जाते हैं एंड वो वहाँ से आके जब घर आ जाते हैं तो वहाँ पे रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वीडियो सारे बच्चों के लिए है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बिकॉज देखो, एक बच्चा ऐसा होता है जिसका मेन गोल होता है सिर्फ मार्क्स गेन करना, मतलब उसको मार्क्स चाहिए होते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। और एक बच्चा ऐसा होता है जो नॉलेज प्लस मार्क्स, ठीक है, तो उसको नॉलेज भी चाहिए और नॉलेज जिसके पास हो, जो नॉलेज के हिसाब से पढ़ाई करता है, मतलब नॉलेज गेन करने के हिसाब से, तो उसको ये भी चाहिए होता है, इवन उसके खुद ब खुद मार्क्स आ ही जाते हैं, राइट। तो अब वैसे बच्चे जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो कोई ना कोई कंस्ट्रेंट उनके बीच आ ही जाता है। किसी का क्या होता है, उसका टाइम खत्म हो जाता है, टाइम खत्म होने की वजह से वो कुछ क्वेश्चन छोड़ देता है। और किसी किसी बच्चे के साथ ये होता है, जो भी वहां पे टीचर्स होंगे, जो आपके बोर्ड वाले होंगे या जो भी टीचर वहां पे होंगे, तो उनकी गलती की वजह से आपके जो क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं। कोई क्या करता है, वो किसी बच्चे को लेट पेपर देता है या अरेंजमेंट ठीक से नहीं होती, पता नहीं होता किस बच्चे को कहां पे बिठाना है। कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हमें कंटिन्यूएशन शीट नहीं दी गई, हमें बोला गया जो भी पेपर है उसी में लिख दो सब कुछ जो भी आपको लिखना हो। सो इट्स ऑल्सो ए मैटर ऑफ कंसर्न कि अगर बच्चा कंटिन्यूएशन शीट मांगता है तो उसको कंटिन्यूएशन शीट क्यों नहीं दी जाती, राइट। तो अब मैं आपको ये भी बताना चाहूं, देखो अब ये जो चीजें हैं अगर आपके नेक्स्ट पेपर में होती है तो आप वहीं पर आवाज उठाएं, ठीक है। ये नहीं कि आप पहले पेपर कंप्लीट करें उसके बाद, बिकॉज जब आप आवाज उठाएंगे तभी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अगर आपको कंटिन्यूएशन शीट नहीं दी जाती है तो ये तो आपका राइट है, अगर आपका एक पेपर खत्म होता है तो आपको दूसरा पेपर मिलना चाहिए, लाइक कंटिन्यूएशन शीट मिलनी चाहिए। लेकिन अब जो हमारे पिछले पेपर्स हैं जो अभी तक हो चुके हैं, आप मुझे बताओ क्या फायदा है अब उस बारे में सोचना, चाहे हमारे 3 मार्क्स छूटे हो, चाहे हमारे 10 मार्क्स छूटे हो, अभी कोई फायदा है क्या इस बारे में सोचना? बिकॉज देखो, अगर आप उस चीज के बारे में सोचते हो जो आपके नेक्स्ट पेपर्स हैं, किसी का लास्ट पेपर होगा, किसी के 1-2 पेपर्स बचे हैं अभी, तो उन पेपर्स पे आप इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हो खुद से, उन पेपर्स को भी इफेक्ट करोगे आप खुद से। यहां मैं आपको बताऊं, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, जो बच्चे 499 लाते हैं 12th के बोर्ड्स में, उनका जेईई मेंस में नामो निशान नहीं है, ठीक है। उनके कुछ 25-30 परसेंटाइल आई होती है। याद रखना, जब आप नॉलेज के लिए पढ़ते हो तो आपकी जो नॉलेज है वो कभी भी जाया नहीं होती, अल्लाह ताला किसी की भी नॉलेज, किसी की भी मेहनत जाया नहीं होने देते। तो जो आपके ये मार्क्स है ना, इसके बेसिस पे खुद को जज मत करो। आप ये सोचो कि वो क्वेश्चन तो मुझे आता था बट मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया या कर पाई, लेकिन वो क्वेश्चन तो आपका आता था ना, तो वो चीज प्लस पॉइंट है। अब जिस भी कंस्ट्रेंट की वजह से वो क्वेश्चन आपका छोटा है, फेंक दो, कोई मसला नहीं। आपके जितने नसीब में होंगे मार्क्स, आप जो डिजर्व करते हो उतने ही आपको अल्लाह ताला देगा, जितनी आपने मेहनत करी होगी उसी के हिसाब से आपको सब कुछ मिलेगा। ये नहीं कि आपने मेहनत ज्यादा की और आपको कम फल मिला, अल्लाह ताला को सब पता है कि एक बंदे को कब क्या चीज देनी है और कब क्या चीज इसके लिए बेहतर रहेगी, ठीक है। तो हमेशा शुक्र पड़ा करें, चाहे आपके मार्क्स जैसे भी आए तो हमेशा शुक्र पड़ा करें, क्योंकि जितना आप शुक्र अदा करोगे अल्लाह ताला का उतना आपको ज्यादा अदा करेंगे वो, ठीक है। तो यही मुझे इस वीडियो में बताना था, डोंट टेक एनी स्ट्रेस। अब कुछ ही पेपर्स बचे हैं, उनमें बहुत ही अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो, इंशाल्लाह आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे सबके। और मैं ये भी बताना चाहूं, रिजल्ट विल बी अनएक्सपेक्टेड, ये अभी ही मार्क करके रखो मेरे वर्ड्स, रिजल्ट विल बी अनएक्सपेक्टेड। जिसने कम मार्क्स एक्सपेक्ट किए होंगे उसके ज्यादा होंगे, ये नहीं कि जिसने ज्यादा किए होंगे उसके कम होंगे। तो मतलब हो जाता है किसी किसी के साथ, जिसने फॉर एग्जांपल 500 किए हो उसके 499 है या 498 है, तो ऐसा किसी किसी के साथ होता है। बट मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होंगे जिनके कम मार्क्स एक्सपेक्टेड होंगे तो उनको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह, ये मेरी बात याद रखना। तो बाकी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर चाहिए, इंशाल्लाह आई विल शाइन। अगर आपको ये वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, शेयर करना हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक।